तो अब मात्र एक व्हाट्सएप मैसेज या फिर एक फोन कॉल से आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद किया जा सकता है, सेविका सहायिकाओं को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। जी हाँ, अब आपके पोषक क्षेत्र के लाभुक सीधे आशीष विभाग को फोटो या फिर बिना फोटो को के भी जो है कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आपका शिकायत आपके केंद्रीय शिकायत विभाग तक पहुंचा सकेंगे। अगले महीने जनवरी 2022 से ऐसी योजना ऐसा नंबर लॉन्च होने जा रहा है। वीडियो काफी यूजफुल आपके आंगनबाड़ी केंद्र के रिलेटेड है। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके लाइक कर दीजिएगा। हम अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि अगर किस प्रकार की कड़ाई और किस प्रकार की योजना सरकार आंगनबाड़ी के रिलेटेड ला रही है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले ही आपको बता दूं कि पूरी की पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना, तभी सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी कि व्हाट्सअप नंबर जो शिकायत के लिए जारी किया जाने वाला है वो किस प्रकार से काम में आएगा, किस प्रकार की शिकायत होगी सेविकाओं सहायिकाओं को, जो बहुत बड़ी परेशानी अगले महीने से आने वाली हो किस प्रकार की होगी। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल पाए कि अगले महीने से कितना नियम जो है बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आज तक आंगनवाड़ी के इतिहास में नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा परेशानियां अब आपको आने वाली है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोग लाइक कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहें। देखिए छोटा शीर्षक है कि पहल, शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग ने निर्णय लिया हुआ है। अब बड़ा शीर्षक देखिए क्या लिखा गया है, अब लोग बताएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों की कमियां, यानी अब पोषक क्षेत्र के लाभों का बताएंगे। देखिए पूरी जानकारी में बताऊंगा, सबसे पहले नीचे आप देखिए आपको मालूम है कि चैनल में बिल्कुल सही और सच्ची जानकारी देखने को मिलती है। 5 दिसंबर 2021 रविवार यानी 7-8 दिन पहले एक खबर प्रकाशित की गई थी, पटना से खबर प्रकाशित की गई। देखिए यहाँ पर पूरे जिले में पूरे बिहार में समान रूप से लागू होगा, ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर को। राज्य भर में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, जिनमें से 6,000 केंद्र अभी संचालित नहीं है। शेष सभी केंद्र चल रहे, यानी 1 लाख से ज्यादा केंद्र अभी चल रहे हैं, लेकिन समाज कल्याण विभाग को यह शिकायत मिली है कि केंद्रों पर योजनाओं का लाभ नियमित नहीं मिलता और बच्चे भी केंद्र पर कम आते हैं। इसके बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रों पर जो भी कमी है उसे उजागर करने के लिए लाभुकों के साथ जिलों में आम लोगों को जोड़ना होगा ताकि केंद्र की कमियों की जानकारी विभाग को सीधे मिल सके। शिकायत मिलने के 48 घंटे के अंदर उसका निष्पादन होगा। देखिए शायद सरकार को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो घोटाला है, सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो ICRS विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही है, इसीलिए इतनी ज़्यादा कड़ाई, इतनी ज़्यादा नियम और शर्तें केंद्रों पर लागू की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है आम लोग, चाहे आपके क्षेत्र के लाभार्थी हो लाभुक हो, चाहे आपके क्षेत्र के कोई भी कॉमन आदमी हो, अब आपका आंगनबाड़ी केंद्र कंप्लेन सीधे विभाग को कर सकता है। देखिए कितना बड़ा बदलाव किया गया है, जनवरी से यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जनवरी से विभाग जारी करेगा व्हाट्सएप नंबर। विभाग ने जनवरी से व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी शिकायत के लिए अब एक अलग नंबर जारी किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय स्वीकृति भी मिल गई है और IT विभाग की मदद से इस काम को जल्दी पूरा किया जाएगा। इस नंबर को विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, यानी इसका अलग से प्रचार किया जाएगा कि ये फलना फलना नंबर है, अगर आपको आपके क्षेत्र के आंगनबाड़ी का कंप्लेंट करना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा वो परेशानी आप लोगों को आने वाली है, मैं बताऊँगा क्यों आने वाली है, क्योंकि देखिए हर एक एरिया में कुछ अच्छे लोग हैं, मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बुरे भी होते हैं, आपको दुश्मन भी होते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बुरे लोग जो हमेशा आप में कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल लेंगे, आपकी आपका जो है कंप्लेन आपके विभाग को पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा है, बुरे लोगों के चलते जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र बदनाम होगा, शिकायत जाएगी और आपका आंगनवाड़ी केंद्र 48 घंटों के अंदर आपको जवाब देना होगा, बंद भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा और सारे नियम यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, नई व्यवस्था के बाद केंद्र की कमियां दिखने के बाद लोग फोटो सहित हर शिकायत को अपलोड कर सकेंगे, यानी फोटो भी भेज सकेंगे कि कितने बच्चे आए हुए हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पोषाहार क्या मिला नहीं मिला। साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर सभी तरह की पूरी जानकारी दी जाएगी लाभार्थियों को। जिस सेंटर पर 40 बच्चे नहीं होंगे उसकी जांच होगी, ये तो खैर कॉमन बात है, लेकिन इस चीज़ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लोगों को के लिए अलग से एक व्हाट्सअप नंबर जो जारी किया जा रहा है कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत करने के लिए, कमेंट करके बताइए क्या ये ऐसा लाना सही होगा, क्योंकि हर एक केंद्र पर बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग हर एक केंद्र पर हर हाल में मिल ही जाएंगे जो हमेशा आपकी शिकायत करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो चीज़ें सरकार द्वारा लाई जा रही है, अगले महीने जनवरी से जो ये लागू हो जाएगा, जब नियम नंबर निकल जाएगा, तो आई होप मैक्सिमम केंद्रों पर शिकायत जानी ही जानी है। तो इसका अपना विचार कमेंट करके बताइएगा, लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अन्य सभी सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिए अभी, ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है। अभी देखिए 48 घंटों के अंदर इसका शिकायत का निष्पादन होगा। साथ ही देखिए और सारे कितना नियम दिया गया है, विभाग को ये निर्देश दिया गया है। देखिए निर्देश तो हमेशा हज़ारों हज़ार दिए जाते हैं, क्या निर्देश है कि
सरकारी या निजी भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर सेंटर कोर्ट सेविका सहायिका का नाम, मोबाइल नंबर और अधिकारियों का नंबर डिस्प्ले करना ताकि अपनी जानकारी अधिकारी सभी ले सके। जिन निजी भवन में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर बोर्ड लगाना जिस पर आंगनबाड़ी में सभी जानकारी उपस्थित हो। साथ ही अधिकारी स्थल निरीक्षण करने के बाद हर दिन रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के मुताबिक कलर करें ताकि बच्चे देख कर आंगनबाड़ी केंद्र खुश रहें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, क्लियरली लिखा गया है कि हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर को सभी लोगों को दें ताकि सभी लोगों के पास नंबर होना चाहिए जिसका भी जो शिकायत सीधे पहुँचाए। योजना लाभुक योजना का लाभ ले तो इस संबंध में उसके नंबर पर मैसेज भेजें। यानी कि मेरे मुताबिक, इस खबर के मुताबिक आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लगता है कि सरकार को सबसे ज़्यादा जो बड़ा योजना है पूरे भारत की, पूरे बिहार की, वो ICDS विभाग के अंतर्गत चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्र ही है, इसीलिए इतना सारा शिकायत और इतना सारा सिस्टम लाया जा रहा है। उम्मीद है वीडियो से जानकारी मिली होगी। फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।